हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छा होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसे आदमी के बारे में सुना है जिसके पास चार चार टांगे हों? जी हाँ, आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिसके सर पे सींग है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे इंसानों से मिलवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अलग हैं, और वो हम आपसे सिर्फ इसलिए अलग हैं क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं चाइना की एक महिला की कहानी जिनके सर पे दोस्तों सींग निकल गया है। क्या किसी ने सोचा था कि कभी इस तरह किसी के सर पे सींग निकल सकता है? नहीं ना। लेकिन दोस्तों, यही सच्चाई है। इनका कहना है कि जब इनकी उम्र 45 साल थी तब से ये सींग निकलना शुरू हो गया था। जी हाँ, अब तो हालत ये है कि दूसरी तरफ भी सींग निकलना शुरू हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा सा स्पॉट आपको दिख रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये महिला बहुत मजबूत है अंदर से। इनका कहना है कि जब सींग आया था तब गांव के लोगों ने इन्हें बाहर करने का फैसला कर लिया था। सबको लग रहा था कि ये महिला किसी भूत प्रेत की आत्मा है, लेकिन दोस्तों इन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि इन्हें एक तरह की बीमारी है। आज पूरा गांव इनके साथ है। लेकिन वाकई में ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात है कि कैसे किसी को भी इस तरह से अचानक से सींग निकल सकता है, कोई भी इन्हें देखकर डर जाए। वैसे दोस्तों, सबसे मजेदार बात यह है कि अब इनकी दूसरी ओर भी सींग आ रहा है, उसको लेके ये बहुत एक्साइटेड है। इनका कहना है कि ये अपने आप को देखना चाहती है दो सींगों के साथ, ये कैसी लगेंगी। दोस्तों, अब हम आपको जिस बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसके बारे में बस यही कहा जाता है कि ये माता लक्ष्मी का रूप है। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये देखिए कितने सारे पैर हैं इस बच्चे के। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी बच्चे के पास इतने सारे पैर होंगे? यही वजह है दोस्तों कि इनके गांव के लोगों का कहना है कि ये माता लक्ष्मी का रूप है। इतना ही नहीं, लोगों ने तो इन्हें पूजना भी शुरू कर दिया है। लेकिन किसी ने ये बात नहीं समझी कि ये बच्चे जिसका नाम लक्ष्मी है ये कितनी तकलीफ में है। दोस्तों, अंत में एक डॉक्टर ने लक्ष्मी को देखा और कहा कि इनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। लक्ष्मी ज्यादा बीमार हो रही थी, बहुत तकलीफ में थी, लेकिन इन्हें भी मदद मिली एक हॉस्पिटल से जहां लक्ष्मी का इलाज चला। इतना ही नहीं दोस्तों, लक्ष्मी का ऑपरेशन भी किया गया। इनका सफल ऑपरेशन कुल मिलाकर 27 घंटे तक चला। जी हाँ, 30 डॉक्टर्स ने इनके ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अंत में दोस्तों ये ठीक हो गई। वाकई में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, एक ऐसा चमत्कार जिसके बारे में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन दोस्तों, अंत भला तो सब भला। लक्ष्मी ठीक हो गई, वो फिट हो गई हैं और अब वो दूसरे बच्चों की तरह ही खेलती कूदती हैं, मस्ती करती हैं। हम सब भी यही उम्मीद करते हैं कि बच्चे जल्द से जल्द और भी स्ट्रांग हो जाए। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये कहानी अमेरिका की एक दंपत्ति की है। महिला के साथ परेशानी थी कि उसके शरीर में दो यूट्रस थे। जब ये महिला पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी तब दोस्तों इनके दोनों बच्चे खराब हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने इनसे कह दिया था कि ये कभी फ्यूचर में माँ नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, लेकिन चमत्कार देखिए कि 2 साल बाद ही ये महिला एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई, और इस बार इनके दोनों यूट्रस में एक एक बच्चा था। दोस्तों, डॉक्टर ने साफ साफ कहा इस बार बच्चे के साथ बच्चे की माँ का बचना भी मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि इस महिला ने अपने दोनों अलग अलग यूट्रस से दो स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये घटना भी किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे कि कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकें। कहाँ एक तरफ तो बच्चे के साथ था उसकी माँ की जिंदगी पे भी खतरा था, और कहाँ दोनों बच्चे हेल्दी पैदा हुए। इसे कहते हैं चमत्कार। दोस्तों, अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये देखिए इस बच्चे को, इसका नाम है दीपक। लेकिन दोस्तों, ये क्या, इसकी छाती में एक अलग से पैर है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी इस तरह का कोई बच्चा देखा था क्या? ये देखिए दोस्तों कैसे पैर झूल रहा है इनकी छाती पे। आपको बता दें कि दीपक बिहार के रहने वाले हैं। इनके पिताजी मजदूरी करते हैं। डॉक्टर्स ने इनसे कहा कि आप चाहो तो दीपक का ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, मजदूर परिवार कहां से पैसे लेकर आता, उन्होंने मना कर दिया। दीपक को गांव के बच्चे चिढ़ाते थे, इनके बारे में बहुत कुछ कहते थे, लेकिन दीपक ने सबकी बातें सुनते हुए भी कुछ कहा नहीं। गांव के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि दीपक को भगवान का रूप मानते थे। उन्हें लगता था कि दीपक विष्णु भगवान का रूप है। लेकिन कहते हैं ना कि दोस्तों, किस्मत तो सबकी पलटती है। दीपक की किस्मत भी बदल गई जब इन्हें बैंगलोर के एक बड़े अस्पताल ने फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन का ऑफर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि ये ऑपरेशन 50 लाख रुपए से भी कहीं ज्यादा का था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 घंटे से ज्यादा समय तक चले ऑपरेशन में अंत में सफलता हाथ लगी और दोस्तों दीपक को नई जिंदगी मिल गई। वाकई में किसी ने सही कहा है कि ईश्वर का एक रूप डॉक्टर में बसता है। दोस्तों, हमारे लिए आप भी ईश्वर से कम नहीं है, हमें हमेशा ही आपका प्यार मिला है। हमारी टीम भी आप लोगों के लिए दिन रात काम करती है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को खूब सारा प्यार देंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक और ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया में कैसी कैसी चीजें हो जाती हैं। जी हाँ, ये कहानी है कोलंबिया की एक महिला की। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब ये महिला प्रेग्नेंट थी तब दोस्तों पता चला कि ये जुड़वा बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन दोस्तों, जब ऑपरेट किया गया तो एक ही बच्चा निकला। जी हाँ दोस्तों, सभी डॉक्टर्स अपना सिर खुजाने लगे।
इन्हें लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आई और बाद में पता चला कि एक बच्चा दूसरे छोटे बच्चे के पेट में था। ये मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में सबसे अजीबोगरीब घटना थी। लोगों को लगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन आज भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, जब छोटे बच्चे को ऑपरेट किया गया तो उसके अंदर जो बच्चा था वो बहुत ही अजीबोगरीब कंडीशन में था, क्योंकि उसका न तो सिर था न पैर था। दोस्तों, वाकई में इस तरह की घटना किसी के साथ भी ना हो, लेकिन कहते ना कि अंत भला तो सब भला। जिस बच्चे के अंदर वो बच्चा था, उस छोटे बच्चे की जिंदगी बच गई। आज वो अपने माता पिता के साथ खुश है। लेकिन दोस्तों, सोचिए इस तरह की घटना वाकई में किसी को भी परेशान कर दे। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और इमोशनल स्टोरी। इस स्टोरी में एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ज्यादा परेशान था अपने हार्ट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, उसे ये तक पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इस इंसान का नाम है टाइसन स्मिथ। दोस्तों, इनके दिल में बड़ा सा छेद था जिसकी वजह से इन्हें बार बार सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इन्हें नहीं पता था कि आखिर क्या बात है। इतने पैसे भी नहीं थे कि कभी डॉक्टर के पास जा सकें। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अच्छे आदमी को कहीं ना कहीं से मदद आ ही जाती है। इनके पास भी मदद आई। एक हॉस्पिटल ने इनके इलाज का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। इतना ही नहीं दोस्तों, जब पता चला कि इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वो भी किया गया। अंत में दोस्तों, जब डिसाइड किया गया तब जाकर इनका ऑपरेशन हुआ। कुछ पल के लिए तो समझिए कि ये मर ही गए थे। जी हाँ, इतना ही नहीं, इनके अंदर वो हार्ट फिट किया गया जो किसी नेक इंसान ने अपने मरने से पहले दान के रूप में दिया था। कमाल की बात है ना कि किसी दूसरे इंसान के दिल के साथ कोई और जी रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में ये पूरी तरह से फिट हो गए हैं और इन्हें अब किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। ये आम आदमी की तरह ही काम कर सकते हैं, ये वेट भी उठा सकते हैं और साथ ही दोस्तों, ये रनिंग भी कर सकते हैं। आज टाइसन स्मिथ बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, स्मिथ को हंसते हुए इस सफल ऑपरेशन के बाद की तस्वीर है। वाकई में दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जाको रखे साइया मार सके ना कोई। टाइसन स्मिथ की कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है। दोस्तों, आप बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आगे हम आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाले हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसे हिंदुस्तानी लड़के से मिलवाने जा रहे हैं जिसके हाथ और पैर मिलाकर कुल 30 उंगलियां थी। जी हाँ, सही सुना आपने। क्या आपने कभी सपने में भी सोचा था कि कोई इंसान 30 उंगलियों के साथ पैदा हो सकता है? दोस्तों, इस बच्चे का नाम है अक्षत, जो कि अपने देश का ही रहने वाला है। आज से कई साल पहले चीन में भी इसी तरह का एक केस सामने आया था, जहां दोस्तों बच्चों के हाथ पैर मिलाकर कुल 31 उंगलियां थी। लेकिन आप पहले इस छोटे से बच्चे को देख लीजिए। कई बार इस बच्चे को चलने में परेशानी होती है, कई बार इस बच्चे को शूज पहनने में दिक्कत होती है। लेकिन दोस्तों, ये छोटा बच्चा अपनी परेशानियों के सामने झुका नहीं है। चीन के बच्चे को ऑपरेट किया गया था और वो बच्चा नॉर्मल हो गया है। उम्मीद हम अक्षत के लिए भी करते हैं कि ये जल्द ही नॉर्मल हो जाए, इनका भी जल्द ही ऑपरेशन किया जाए, ताकि ये बाकी बच्चों की तरह ही एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी महिला जिसे देखने के बाद आप अपना सर पकड़ लेंगे। जी हाँ, आपको लगेगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। क्या आप यकीन भी कर सकते हैं कि किसी महिला के पास 3 ब्रेस्ट हो? जी हाँ दोस्तों, 3 ब्रेस्ट। ये देखिए आप, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ भी एक्स्ट्रा पार्ट हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी रुकिए, कहानी अभी बाकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस लड़की ने एक्स्ट्रा ब्रेस्ट ऐड करवाया है। जी हाँ, जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने ऐसा आखिर किया क्यों, तो ये बताती हैं कि इन्हें पॉपुलर होना था और इन्हें लगा कि अगर ये एक्स्ट्रा ब्रेस्ट ऐड करवा लेती हैं तो ये लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगी। दोस्तों, ये पॉपुलर हो भी गई, आज सब इन्हें जानते हैं। ये दुनिया की पहली लड़की हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की मदद से एक एक्स्ट्रा ब्रेस्ट अपने अंदर ऐड करवाया है। दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं ये कहना भी बहुत मुश्किल है। सोचिए ना दोस्तों, कैसे लोग पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर लेते हैं आजकल। आपको नहीं लगता इंसानों को नेचुरल ही रहना चाहिए? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पे कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियोस बनाते रहते हैं। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।